हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, ओके, बढ़िया जी। हेलो, कल वाली बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, यहाँ बस ऐसी लगा कि सर ज्ञान बांट के चले गए। चलो जी, ठीक। बस अपने लिए मेहनत करो, है ना, किसी और के लिए नहीं। अच्छा, आज दिन भर स्टडी किया, बहुत बढ़िया, है ना। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले, काम वही करना चाहिए। चलो यार, ये तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग लेवल है सोचने का, काम करने का। अब आप मेरे लेवल से काम करने लगो या मैं आपके लेवल से काम करने लगूं, तो फिर सिंपल सी बात है, जब एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है। अच्छा, बढ़िया है ना। पॉजिटिव वे में सारी की सारी चीजों को देखो। आप बढ़िया से तैयारी करो, आपकी बार काम खत्म कर दो इसका, है ना। इतनी सारी चीजें सीख लो, नो मोर चांस, नो मोर अटेम्प्ट। चलो, प्लस अच्छी बात है ना। इंस्पिरेशन खुद अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि जो मोटिवेशन तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, काम वही आना है ना। बाकी तो बढ़िया बढ़िया बात तो सब कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ, है ना। चलो भाई, शुरू करते हैं ना। आ जाओ, अब थोड़ा सा अच्छी खासी स्पीड से चलेंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ते हुए चलेंगे, अच्छे से काम करते चलेंगे। तो जहां जहां प्रॉब्लम आती रहे, बताते रहना। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मतलब आप ये मान लो कि कॉम्प्लेक्स होने के बाद आप 30+ मार्क्स लाने के लिए कैपेबल हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना कि हाँ, मुझे कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी चीजें सीखनी हैं जिससे मैं इससे ऊपर बिल्कुल पहुंच जाऊं। ठीक है, एक्चुअली मसलकिन बुक जो है ना, बुक मैं आपको हर्ब सिल्वरमैन वाली तो दे दूंगा, है ना। जो HS कसाना वाली बुक है वो अवेलेबल नहीं है। इसके एवज में मैं तुम्हें जो कृष्णा की है उसका कुछ पार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो मतलब प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी बुक परचेज कर लो जल्दी से, है ना, जिससे कि कुछ भी समस्या हो तो हम मुस्तफिजुर कॉम्प्लेक्स कितने मार्क्स का रहता है, आ ही जाता है, कम से कम 30 से 40 नंबर के बीच में आ जाता है ना। इतना रहता है, 30 से 40 नंबर के बीच। हाँ, क्यों नहीं कर सकोगी, बिल्कुल कर सकोगी, बहुत कुछ कर सकोगी, है ना। ये तो सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बस अपना लेवल यहाँ पहुंचाना है ना। जैसे जैसे लेवल अप होगा, वैसे वैसे चीजें आसान होती रहेंगी। बुक की PDF सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम, है ना। कॉम्प्लेक्स का जो बेसिक है वो तो आपको पता ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल, आपको डेली डे बाय डे सीखना ऐड करो तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। एक तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जनरेशन कहाँ से हुआ, जनरेशन हुआ इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते, है ना। एक्चुअली ये जो पूरा नंबर सिस्टम है हमारा, ये जनरेट ही इक्वेशंस के सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हुआ है ना। पहले मेरे पास नेचुरल थे, चलो नेचुरल तो काउंटिंग में आ गए, अब मुझे जीरो चाहिए था, है ना, जीरो भी आ गया, इंडिया ने दे दिया जीरो, राइट। मतलब जीरो पहले था, बट डेसिमल सिस्टम में इंक्लूड करना वो इंडिया का ही काम है ना।
और देखो मतलब अब सिंपल सी बात है, जीरो के बिना तो मैथ ही क्या होता है ना, बट पहले मैथ था वो अपना अलग अलग लेवल पे था। उसके बाद भी हम इंडियंस है ना, किस राइटर की बुक पढ़ते हैं भाई, सोम्स आउटलाइन पढ़ लो है ना, आप चर्चिल पढ़ लो है ना, और उसके अलावा रूडिन पढ़ लो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली है क्या, हमारे काम तो बहुत अच्छा होता है, पहले उसे पब्लिश करने में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे है ना, जैसे पुराने लोग तुमने देखे न्यूटन हुआ या और बहुत सारे लोग, वे सब क्या करते थे, इतना मतलब सुई इधर से इधर उठा के रखी, तुरंत पेपर पब्लिश हुआ और उनके नाम का पेटेंट हो गया है ना, और वही सब अब काम आ रहा है। यस और नो? तो बस हमारे यहाँ क्या था, हो गया तो हो गया, बस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं फैला रहे हैं, काम खत्म। बहुत सारे लोग आए जो इंडिया से सीख के गए और फिर जाके उन्होंने अपनी बुक्स लिख दी है ना, जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा ठीक है, जो भी है हमें तो अब पढ़ना ही है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। बेसिकली होता क्या है कि जब भी मैं आपको कुछ भी चीजें देता हूं, तो हम कहीं ना कहीं ये सर्च करते हैं कि भाई क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसे 1x1x2 मैप बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। जैसे रियल लाइन की बात करूं मैं है ना, रियल लाइन की बात करूं, मैंने यहाँ पे जीरो बोल दिया, आप बोलते हो कि मेरे पास दो तरह के इनफाइनाइट नंबर है, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड एक नेगेटिव इन्फिनिटी, करेक्ट? आपने मैं आपके पास क्या कर रहा कि आपको मैंने एक दिया सर्किल, हाँ जी मैंने आपको एक सर्किल दिया, ठीक है, ये सर्किल की हो गई रेडियस, ये वाला पॉइंट कर दिया मैंने फिक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सर्किल से ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ है ना, तो बताओ जरा ये सर्किल यदि ऊपर वाले पॉइंट को मैं फिक्स मान लूँ, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, जीरो को यहां से मैप कर दो है ना, फिर इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। अरे भाई मैं अकाउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं पूछ रहा हूँ, यूनिक या यूनिक करेगा या नॉट यूनिक, मेरा यूनिकनेस से क्वेश्चन है ना। ये कैसे पॉइंट होंगे, ये यूनिक होंगे, इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया इब्तिसम, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया मैंने है ना, लक्ष्मी अरुणा, यूनिक पॉइंट होंगे फिर, यस और नो, करेक्ट? ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे तुम दूर बढ़ते जा रहे हो, ऐसे तुम दूर होते जा रहे हो है ना, तो जो इस वाली लाइन का एंगल है, इस वाली लाइन का जो एंगल है रियल एक्सिस से, वो क्या हो रहा है, टेंडिंग टूवर्ड जीरो है ना, जैसे जैसे आप दूर बढ़ते चले जाओगे, यस और नो? और जब एक पॉइंट ये है और एक मेरे पास लाइन ये है और मैं इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे, ऐसे ऐसे है ना, और ये एंगल मेरा छोटा होता जा रहा है, जब ये एंगल मेरा टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगा तो क्या होगा, ये वाली लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी और फिर कुछ समय के बाद ये इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, सही है बात, इतनी करेक्ट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस इन्फिनिटी है इसे भी घूम के कहाँ जाना, यहाँ पे, और ये जो प्लस इन्फिनिटी है इसे भी कहाँ जाना, घूम के यहाँ पे है ना, मतलब तुम्हारे पास इतनी बड़ी रियल लाइन इनफाइनाइट लेंथ की और तुमने एक सर्किल लिया, कितनी भी लेंथ का ले लिया है ना, कितनी भी लेंथ का मतलब रेडियस, कोई भी रेडियस ले लिया आपने है ना, और उस छोटे से सर्किल पे आपने पूरी की पूरी रियल लाइन मैप कर दी, ठीक, और जो ऊपर है इसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, इस पे क्या हुआ, इस पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों आके मिल गए, ठीक है, मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहां पे मेरी लेंथ कैसी हो जाती है, अनबाउंडेड हो जाती है, करेक्ट? तो हमने क्या करा, हमने पूरी रियल लाइन को एक छोटे से सर्किल पे मैप कर दिया, या यूनिट रेडियस सर्किल पे मैप कर दिया, करेक्ट? ठीक है,
इवन यूनिट रेडियस सर्किल तो छोड़ो, मैं इसे सेमी सर्किल पे भी मैप कर सकता हूं, है ना। मैं इसे सेमी सर्किल ले लिया मैंने ऐसे, मैं इसे इस पे भी मैप कर सकता हूं। आप यहां पढ़ लो, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट नहीं, ऐसे रखो, ऐसे, ठीक है। अब ड्रॉ करना शुरू करो। तो कैसे करते हैं, ऐसे लिया है ना यहां से, अच्छा ये फिर मैं ऐसे करूंगा, है ना, ऐसे करूंगा, यस। यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये ठीक। और जो ये वाले पॉइंट है ये मेरे नीचे मैप हो गए, है ना, करेक्ट। अब ठीक है, कुछ नहीं, यूनिट रेडियस सर्किल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन वाला, है ना, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सर्किल ले लो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम एक चीज बताना जरा, यदि मैं इस सर्किल को कहीं ऊपर नीचे कर दूं, इस सर्किल को मैं सेंटर से पास होके ना जाने दूं, है ना। हाँ नहीं, ये सेमी सर्किल नहीं हुआ, वो जो सेमी सर्किल वाला कॉन्सेप्ट था वो मैं कुछ गलत सोच गया। यदि तुमने क्या करा, ये जो सर्किल है ये बस थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक। अभी भी वही काम करो, ऐसे 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 लाइन ड्रॉ कर दो। अब क्या होगा, ये वाली जितनी भी पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, ये नीचे की तरफ मैप हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के आप सर्किल ले आओ, चाहे आप सर्किल को लाइन के ऊपर रख दो, ठीक है, लाइन के, सर्किल के ऊपर लाइन रख दो, ठीक है, या कहीं सर्किल लाइन को बीच में से पास करा दो आप उस सर्किल के, आप हमेशा एक वन वन ऑन टू मैप बना सकते हैं। Yes or no? ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी हम इसी तरह से बात करेंगे कि ये तो चलो लाइन की बात हो गई, जब मैं आर स्क्वायर लेता हूं, एक्स वाई या मैं जेड प्लेन लेता हूं, तो फिर मैं वहां पे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसे मैं एक स्फीयर पे, एक स्फीयर पे कैसे मैप कर सकता हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, और यहीं से मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा, द पॉइंट एट इंफिनिटी, द पॉइंट एट इंफिनिटी। जैसा आपने रियल में पढ़ा है कि एक माइनस इंफिनिटी होता है, एक प्लस इंफिनिटी, बट कॉम्प्लेक्स में माइनस इंफिनिटी टाइप का कोई नंबर नहीं होता, बस यहाँ पे तो एक नंबर होता है, और इंफिनिटी एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स में, राइट, इंफिनिटी इज अ नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, करेक्ट। बट क्योंकि हमारे पास रियल में दो तरह की इंफिनिटी बोलते हो आप, इसलिए आपको अलग अलग लेना होता है, एंड दीज टू नंबर्स आर नॉट, दीज टू आर नॉट नंबर्स, दीज आर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एन अनबाउंडेड वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, बट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिस इज अ पॉइंट, करेक्ट। इसीलिए मैं बोलता हूं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब जब आप रियल को एक्सटेंडेड रियल लाइन कहने लगोगे तो फिर क्या होगा, उसे एक्सटेंडेड रियल लाइन तब कहोगे जब आप इस रियल लाइन की इस सर्किल के ऊपर मैपिंग कर दोगे, और आप फिर क्या करोगे, रियल लाइन के साथ एक इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, और वो कहाँ होगा, इसके इस वाले पॉइंट पे, डायमीटर के दूसरे पॉइंट पे, क्लियर है ना। नहीं प्रवीण, सेमी सर्किल से नहीं हो पाएगा, है ना, सेमी सर्किल से नहीं हो पाएगा, क्यों भाई, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बताया तो, कैसे कैसे, राइट, सेमी सर्किल से कैसे करोगे बताओ। ये ले लिया, यहां से आपने लिया ये, है ना, ऐसे कर दिया, ये जितने भी यहां तक के पॉइंट हैं ये तो सब आ जाएंगे, है ना, ये तो सब आ जाएंगे, बट ये जो बीच वाले पॉइंट है ये नहीं आएंगे। हाँ काजल, देखो मैंने बताया ना, जब आप इधर से जाते हो तो माइनस इंफिनिटी, और इधर से जाते हो प्लस इंफिनिटी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये मेरे एक पॉइंट पे जाके मैप हो जाते हैं, ठीक है। तो आर के अंदर मैं इस तरह से कर लूं कि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, ठीक है, ये भी एक तरह से सही है,
बट जो एक्चुअल में चीज आती है एक्सटेंडेड की जो आती है बात, वो एक्सटेंडेड की तभी आती है, जैसे मैं सी की बात करूंगा कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो मैं सी में ऐसे ही नहीं रख दूंगा कि सी के साथ इन्फिनिटी रख दिया, जब तक मैं आपको ये नहीं करके दिखाऊंगा कि इन्फिनिटी बेसिकली है कहाँ, है ना, तब तक मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तब तक मैं एक्सटेंडेड प्लेन नहीं बना सकता। और जब मैं आपको ये दिखा दूंगा जी देखो इन्फिनिटी यहाँ पर है राइट, तो फिर आप जब मैंने आपको उसकी लोकेशन बता दी तो फिर तो वो नंबर हो गया ना एक, है ना, करेक्ट। और जब नंबर होगा तो उस नंबर उस पॉइंट पे आके एक पॉइंट पे आके कितने नंबर मिलेंगे, एक पॉइंट पे आके कितने नंबर मिलेंगे, तो उस उन जितने भी अनबाउंडेड नंबर्स है उन सब नंबर्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट करा इन्फिनिटी से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आयलर फॉर्मूला से, ठीक है। इससे पहले जो भी चीजें हैं there is no difference, right? Just symbol है और representation है, बाकी जो r square होता है वही मेरा z plane होता है, ठीक है सर। हाँ जी क्या पूछो सर, fix point infinity होता है क्या, fix point मतलब और एक्सटेंडेड में भी टू क्यों नहीं, तो सी में एक इन्फिनिटी आर में दो इन्फिनिटी हैं, तो एक्सटेंडेड में दो क्यों नहीं है, अभी दिखाता हूं, है ना। वहां तो बहुत सारे इन्फिनिटी होंगे, है ना, अलग अलग लाइन पे बहुत सारे इन्फिनिटी होंगे, बट फिर भी मैं क्या करूंगा, फिर भी मैं एक ही इन्फिनिटी कहूंगा, है ना। अब वो कहने का रीजन क्या है उसकी भी बात करते हैं। चलिए जी अब क्वेश्चन स्टॉप करो, ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ ले। आयलर फॉर्मूला ये क्या करता है, यदि मेरे पास एक सीरीज है e टू दी पावर x की होती है, ठीक है, तो x की जगह यदि i थीटा रख दूं मैं, तो e टू दी पावर i थीटा, और e टू दी पावर i थीटा इसमें ये हो जाता है, ठीक है, वन प्लस आई थीटा माइनस के थीटा स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस प्लस ना, अच्छा आई भी तो है ना, आई स्क्वायर, फिर यहाँ पे आई क्यूब, आई की पावर फोर एंड अप टू सोन, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे कॉस एक्स का फॉर्मूला निकालना है, मुझे साइन एक्स का निकालना है, कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आई की प्रोडक्ट कर देंगे, तो जब आप कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा करोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास यही आती है कि ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इससे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है डी मॉइबर्स थ्योरम का। ये बेसिकली काम कैसे करता है कि जब आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर रेज करनी हो, है ना, मैंने कह दिया कि 1 प्लस 2i की पावर 100, अब इसे बताओ ये कितना होगा, ठीक, तो इसे मैं 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं या फिर किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरे पास डी मॉइबर्स थ्योरम के थ्रू एक नया फॉर्मूला मिलता है कि जी आप इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया z1 equal to x1 plus के iy1 और z2 equal to x2 plus iy2, तो मैं क्या करता हूँ पोलर फॉर्म में चेंज करता हूँ, कैसे, x1 को r1 cos theta 1 रख के और y1 को r1 sin theta 1 रख के, इसी तरह से x2 को r2 cos theta रख के और y2 को r2 sin theta रख के, तो ये फॉर्मूला मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यदि मुझे z1 into z2 करना हो तो R1 की R2 से प्रोडक्ट हो जाएगी और ये आ जाएगा cos theta 1 plus के I sin theta 1 और cos theta 2 plus I sin theta 2। इसकी जैसे ही मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा जो फॉर्मूला बनता है फाइनली वो बनता है ये वाला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट तो हमने सीखी है, कैसे करते हैं, रियल की रियल से, तो cos theta 1 cos theta 2 और इमेजिनरी की इमेजिनरी से sin minus sin theta 1 sin theta 2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस की साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, ठीक है, फिर कोस थीटा की साइन थीटा टू से और कोस थीटा टू की साइन थीटा वन से, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो बेसिकली हुआ क्या, दो नंबर की यदि मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मैं बस उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को एड कर दू, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि वन प्लस टू आई की पावर टू, तो मैं क्या करूँ, वन प्लस टू आई को पोलर फॉर्म में लिख के बस टू थीटा वन और यहाँ पे भी टू थीटा वन, इतना करना है, ठीक। ऐसे ही मुझे डिवाइड करना हो तो क्या होगा, डिवाइड करने के लिए मैं z1 को क्या लिख सकता हूँ,
ई टू दी पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार एंगल मेरे माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, इतनी बात राइट। क्यों? क्योंकि वन अपॉन ई टू दी पावर आई थीटा को आप लिखोगे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, और वैल्यू कितनी होगी इसकी ई टू दी पावर माइनस आई थीटा की, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो मेन चीज आती है, मेन है ये वाली बात, z की पावर n इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा की होल पावर n। तो पावर बाहर आ गई, और हमने अभी देखा कि जब मैं किसी भी नंबर की प्रोडक्ट करता हूं तो अभी अभी बताया था 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो n टाइम यदि मैं ले रहा हूं तो यहां पे क्या हुआ n थीटा, बट कंडीशन इज दैट जो n होना चाहिए वो मेरा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ओके, यदि इंटीजर नहीं है तो फिर मैं उसे वहां पे इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकता। सो बाय आयलर्स फॉर्मूला मेरा क्या आ जाता है, z की पावर n इज इक्वल टू r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब आपसे कोई पूछ भी सकता है कि cos थीटा प्लस के i sin थीटा की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं कि डायरेक्ट मैं ऐसा लेके आ जाऊं 1 अपॉन n थीटा प्लस के साइन आयोटा साइन एन अपॉन थीटा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो इसके पीछे रीजन है, आपने कभी सिंगल वैल्यूड और जब भी फंक्शन की बात करता हूं मैं, फंक्शन मेरे सिंगल वैल्यूड होते हैं कि मल्टी वैल्यूड, जब भी मैं फंक्शन की बात करता हूं, फंक्शन की डेफिनेशन ही कहती है कि यूनिक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना, एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज, बस इतना कह दो, एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज। अब ये जो यूनिक इमेज का मतलब है, यही क्या है, यही उसे दिखा रहा सिंगल वैल्यूड, मतलब आपने एक इनपुट दिया तो आपको केवल और केवल एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं है वन जाके वन से मैप हो गया और वन जाके माइनस वन से मैप हो गया, ठीक है, बट मेरे पास कुछ ऐसा होता है अ नंबर। अब हम बात कर रहे हैं रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो यहां से चीजें ऑब्जर्व करना, अ नंबर w इज कॉल्ड n nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ w टू द पावर n इज इक्वल टू z एंड वी राइट w इज इक्वल टू z टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है, w इक्वल टू z टू द पावर 1 अपॉन n, और आप इसे क्या कह रहे हो, w की पावर n इक्वल टू z, है ना, आपने इनपुट दिए z इक्वल टू 1, ठीक, और n की वैल्यू दी आपने 5, तो बेसिकली क्या हुआ, ये हो गया w की पावर 5 इक्वल टू 1, और ये क्या बन गई आपकी 5 डिग्री की पॉलीनोमियल। तो 5 डिग्री की पॉलीनोमियल के कितने रूट होंगे, 5, क्या होंगे उससे मतलब नहीं है अभी, है ना, हाँ जी, डिमोएवर्स में मेरे इंटीजर्स होने चाहिए, करेक्ट, 5 रूट होंगे। अब क्या कर रहा था मैंने, यहाँ पे z की वैल्यू मैंने इनपुट करी 1 और मुझे आंसर कितने मिले, w की वैल्यू 5, मतलब मैंने फंक्शन लिखा एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/5, आप मेरे से पूछ रहे हो एफ 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 1/5 से आप ऐसा नहीं करोगे, 1 होगी ना, ये क्या होगा, ये होंगी 5 वैल्यू। तो इसके केस में हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, करेक्ट, ठीक है, इतनी बात सभी को ओके। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, अब हम ऐसा क्या करते हैं जब आपको कितनी वैल्यू चाहिए, जब 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 आप w की पावर n इक्वल टू z लिखेंगे तो यू नीड n वैल्यूज, ठीक है, और n वैल्यूज मुझे कैसे मिलेंगी, ठीक है, एक चीज और पीछे रह गई, यहां पे जब मैं फाइंड आउट करता हूं, हाँ ठीक है, यहीं से बताते हैं, है ना, ये n वैल्यूज, ये n वैल्यूज बेसिकली मुझे मिलेंगी कहां से, ठीक है, आप क्या करते हो z की जगह r cos थीटा प्लस के i sin थीटा, ठीक, ये आप पुट करते हो, तो ये क्या बनता है, जो भी आप नंबर ले रहे हो ये मुझे क्या देगा, दिस विल गिव अ सर्किल, है ना,
दिस विल गिव्स अ सर्किल। ये वाली इक्वेशन तो पढ़ी है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जैसे आप x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। मतलब यूनिट रेडियस सर्किल सेंटर्ड एट जीरो जीरो, और रेडियस उसकी कितनी है, जो भी आर बनती है। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हो, करेक्ट। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे सर्किल की बाउंड्री पे जितने भी रूट्स हैं, ये मेरे सारे सर्किल की बाउंड्री पे आएंगे। ठीक है, करेक्ट इतनी बात। अब सर्किल की बाउंड्री पे मुझे कितने रूट दिखाने, एन। ठीक, तो मुझे क्या करना होगा, सर्किल की बाउंड्री को एन पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, और ये जो मेरे डिवीजन होते हैं, ये मेरे कैसे होते हैं, इक्वल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली करता कैसे हूं, ये मेरा पूरा राउंड कितना है, ये पूरा राउंड है 2 पाई का, है ना, और इसके मुझे कितने फैक्टर करने हैं, एन फैक्टर करने हैं। तो मैं इसे ऐसा करूं, मैं इसे किस तरह से करता हूं, मैंने 2 के पाई अपॉन एन रख दिया। ठीक, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू एन, करेक्ट। टोटल यदि के की वैल्यू एन माइनस वन तक, है ना, के की वैल्यू एन माइनस वन तक, यहां से स्टार्ट हो गया आप, एक फैक्टर यहाँ, एक 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 यहाँ, और फाइनली यहाँ पर। ठीक है, यदि तुमने इससे नेक्स्ट चला, तो नेक्स्ट चलते ही आप कहां पे आ गए, यहां पर आ गए। ओके, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो भी एंगल आपने मुझे दिया है, जो भी नंबर आपने मुझे दिया था z, मैंने उसे r cos थीटा प्लस i sin थीटा की हेल्प से कहां पे रख दिया, जैसे हम पहले भी करते लीनियर में भी करा था हमने, है ना, हमने क्या करा, उसे यहां रख दिया, r cos थीटा r sin थीटा। तो ये क्या मिल गया मुझे, थीटा एंगल मिल गया। यदि इस थीटा एंगल में मैं 2 पाई n, 2 पाई k ऐड कर दूं, तो क्या होगा, ये जहां से चला था वहीं पे घूम के आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसे डिवाइड कर रहा हूं n से, और स्टार्टिंग हो रही है 0 से लेके n माइनस 1, तो क्या होगा, 0 पे तो ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले पे ये यहाँ पहुंच जाएगा, इससे नेक्स्ट में यहाँ, इससे नेक्स्ट में यहाँ, इससे नेक्स्ट में यहाँ, एंड अप टू सोन, कहां तक, यहां तक आ जाएगा, करेक्ट। तो क्या करा इसने, आपके n फैक्टर कर दिए। ठीक है, और जब आपको सर्किल पे चाहिए ही चाहिए, तो आपको n डिवीजन तो चाहिए उसके, जब आपको n रूट्स चाहिए, अदरवाइज कैसे होगा। यदि आपने सिंपल 1 की पावर 1/5 को 1 लिख दिया, है ना, हाँ, n इक्वल टू 0 पॉसिबल है जब आप वहां से मूव ही नहीं करेंगे, जो इनिशियल पॉइंट है उसी पे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, 0 रख सकते हैं। ठीक है, अरे नहीं, k की वैल्यू है ये जो है, ये k की वैल्यू है, ना कि n की वैल्यू, है ना, दीज आर द वैल्यूज ऑफ k, दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहां से। तो मैं क्या करता हूं, ये वाली जो पावर है 1/n, ये डायरेक्ट तो अंदर मेरी नहीं आती है, और क्योंकि r तो मेरा रियल नंबर है, इसके साथ तो कोई फर्क नहीं है, बट यहां पर जो भी मेरे एंगल मिला है, उससे पहले मैं उसे क्या करूंगा, जनरलाइज करूंगा, थीटा को रिप्लेस करके 2k पाई से, मतलब एक पूरा का पूरा राउंड लगा दिया मैंने थीटा के अबाउट। क्लियर है, अब हाँ वही तो बताया हलीमा, मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्किल पे पूरे n डिवीजन करने हैं। तो यदि मैं केवल थीटा लेता हूं, और यहाँ पे पावर होती है n, ठीक, तो वो क्या हो जाता था, डायरेक्ट n थीटा मल्टीप्लाई हो जाता था, तब तो मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए एक से ज्यादा, है ना, बट अब क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली n सॉल्यूशन चाहिए। तो n सॉल्यूशन करने के लिए मुझे क्या है, 2 पाई को n से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 2 के पाई को n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी एंगल मेरा आ रहा है, उसमें मैंने 2 के पाई ऐड कर दिया, और इस पूरे एंगल को अब मैं डिवाइड कर रहा हूं n से, करेक्ट। ठीक है इतना। अब यहां से आप k की वैल्यू असाइन करते हैं, 0, 1, 2 अप टू एन माइनस वन, तो मुझे यहां से कितने रूट मिलेंगे, एग्जैक्टली एन रूट्स, और सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे इक्विडिस्टेंस होंगे, है ना, इक्विडिस्टेंस होंगे, और किस पे लाई करेंगे, आर टू दी पावर 1/n रेडियस वाले सर्किल पे सेंटर्ड एट
जीरो जीरो, करेक्ट? इतनी बात। यूजिंग द अबव रिजल्ट वी कैन फाइंड n डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z टू द पावर 1 अपॉन n, दैट इज n डिफरेंट nth रूट्स ऑफ z, z की वैल्यू आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, आप मेरे से कहो जीरो की पावर 1 अपॉन n कर दो तो फिर तो होगा ही नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा नॉन जीरो नंबर के लिए काम करना। क्लियर है जी इतना सभी के? हलीमा समझ आया? मैं थीटा को जनरलाइज क्यों कर रहा हूँ? दैट्स सिंस आई हैव टू फाइंड n रूट्स। ठीक है, ठीक है जी। एक चीज और देखो, है ना, एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पे क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, है ना? अभी कुछ ध्यान आया है तो मतलब शेयर कर ही देता हूँ आपसे। तुम ये कह रहे हो ना w इक्वल टू z टू दी पावर 1 अपॉन n, यस और नो? राइट, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ w, करेक्ट? तो मैंने ये कर दिया w की पावर n इक्वल टू z, दिस इज ओके। हाँ जी, ठीक है, राइट। यहां पे तुमने लिया w को एक नंबर, ये आपने कह दिया कि r1 cos phi 1 प्लस के r2 cos phi 2, ठीक। और z को आपने कह दिया r cos theta प्लस के i r sin theta, करेक्ट? यहां पे जरा वैल्यू रखो, कितना हुआ r1 cos phi 1 प्लस के i sin phi 1, इसकी पावर n, इसकी पावर भी n, इक्वल टू r cos theta प्लस के i sin theta। हाँ जी, इज इट ओके? ठीक है पलाश, समझ आ रहा है? चला करना यहां से, r1 की पावर n इक्वल टू r, ठीक है? ओह सॉरी, यहाँ पे r1 ही आएगा, r1 r r1 ही आएगा, एक ही रेडियस है ना, तो एक तो मुझे यहां से मिल गया। और यहाँ पे n क्या है, n इज एन इंटीजर, तो मैं इसे अंदर लेके जा सकता हूँ बाय डी मोइवर थ्योरम। तो cos n phi 1 प्लस के i sin n phi 1 इक्वल टू cos थीटा प्लस के i sin थीटा, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, cos n phi 1 इक्वल टू cos थीटा। तो मुझे यहां से बताओ, जो ये थीटा इक्वल टू होगा वो किसके होगा बराबर, या phi 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? n phi 1 किसके होगा, थीटा प्लस 2k पाई, ओके? ऐसा ही होगा ना, जनरल रिजल्ट निकालता हूं मैं, phi 1 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n, वेयर k रन्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। जैसे ही आपने n रखोगे तो क्या होगा, n से n कैंसिल, तो 2 पाई थीटा प्लस 2 पाई, और cos थीटा प्लस 2 पाई क्या होगा, फिर से cos थीटा पे आ जाएगा, मतलब जीरो पे आ जाएगा, जो k इक्वल टू जीरो रखने पे वैल्यू मिल रही थी, करेक्ट? ठीक है, तो क्लियर हो गया। मैं जनरल वैल्यू कैसे करता हूँ, ये वाला थोड़ा ज्यादा क्लियर है ना, इससे मैं ज्यादा क्लियरिटी से कह सकता हूँ कि ये जो मैं r की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, r टू दी पावर 1 अपॉन n, ठीक है? अरुणा, दिस इज रेडियस डियर, है ना, दिस इज रेडियस ना। आप ऐसा करो, cos n phi 1 इक्वल टू r1 टू दी पावर n cos, और ये r की पावर n है cos phi, इनकी वैल्यू तो क्या होगी, 1 के बीच में ही रहेगी, माइनस 1 से 1 के बीच में, और जो r है इसकी वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती, यस और नो? तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी, करेक्ट? अरुणा इज इट ओके? ठीक है, आई थिंक अब सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जी, तो ये वाला काम पूरा हो गया कि आप कैसे उसे n पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो थोड़ा सा मैंने ज्योमेट्रिकल समझा दिया, ये बिल्कुल हमारा थियोरेटिकल हो गया कि किस तरह से काम करना है। अब बात आते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी पे, कि ये किस तरह से काम करती है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z टू द पावर n इक्वल टू 1 इज
where n is a positive integer are called the nth root of unity and are given by z equal to cos 2k pi upon n. क्योंकि यहाँ पे है 1 और इसकी जो जनरल वैल्यू निकालोगे आप cos 0 plus k i sin 0 इससे निकालोगे, ठीक है? तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया आपका 0 और 0 में आपने 2k पाई ऐड करा तो फाइनली क्या मिला 2k पाई. सो 2k पाई अपॉन n एंड 2k पाई अपॉन n, k की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक. अब रखना शुरू करो आप यहाँ पर वैल्यू, ठीक है? k इक्वल टू 0 रखा तो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा. k इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 पाई अपॉन n, n की वैल्यू जो भी आपकी गिवन है, ठीक है? तो उसे हमने बोल दिया ओमेगा. अब देखना यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू 2 पाई अपॉन cos 2 पाई अपॉन n प्लस के i sin 2 पाई अपॉन n, ठीक? इस k को मैं ऐसे पावर में भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो? भाई k तो मेरा इंटीजर ही होगा, ऐसे पावर में लिख दिया, इससे मैंने बोल दिया ओमेगा, है ना? इसे मैंने ओमेगा बोल दिया k इक्वल टू 1 के लिए. अब क्या करोगे, जब k की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर. k की जगह 3 रखोगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 3. एंड k की जगह n माइनस 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर n माइनस 1, ठीक है? राइट, इन टर्म्स ऑफ w कह दो, करेक्ट? तो ये सारे के सारे मेरे मिल गए रूट. और ये सारे रूट कैसे होंगे, ये सारे के सारे रूट डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक? एंड इक्विडिस्टेंस होंगे. सबसे बड़ी बात जो होती है इक्विडिस्टेंस होंगे, ठीक है? यदि आप मेरे से ये पूछो कि z क्यूब इक्वल टू 1 क्या है, आप कहोगे कि आप सर एक यूनिट रेडियस का सर्किल बना लो और उसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करके ये जो बाकी के एंगल बचे हैं इन्हें आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो. तो आप क्या करोगे, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, हो गया 120 डिग्री से कट लगा दो. तो जो ये पॉइंट मिलते हैं यही इसके रूट हो जाते हैं, यदि आप ना भी निकाल पाओ तो. क्लियर है सभी के, ठीक है? चलिए इससे आगे, z की पावर 5 इक्वल टू 1. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, z की पावर 5 इक्वल टू 1 से, तो सिंपल सी बात है, k की वैल्यू 0 से 4 तक रन होगी. k इक्वल टू 0 पे 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 पे ओमेगा मान लिया, फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, ठीक है? अब एक चीज देखो जरा, ये है 0 एंगल, ये है 2 पाई अपॉन 5, फिर 4 पाई अपॉन 5, फिर 6 पाई अपॉन 5, फिर 8 पाई अपॉन 5, और फिर जैसे ही तुम 8 से आगे जाओगे कितने एंगल ऐड हो रहे हैं, हर बार 2 2 ऐड हो रहा है ना, 6 में 2 ऐड हुआ तो 10 पाई अपॉन 5 हो जाएगा, और 10 पाई अपॉन 5 होते क्या हुआ 2 पाई, और 2 पाई कहां पे होता है, जहां पे 0 होता है, मतलब आपकी साइकिल कंप्लीट बिल्कुल उसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगी दोबारा से. और मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट, तो मैं वापस तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, है ना? तो बेसिकली इसने क्या करा, इसने यहां से स्टार्ट करा 1 से, और ये जितना 360 का एंगल है इसे कितने पार्ट में डिवाइड करा, 5, तो कितना बनता है 5 7 35 और 5 2 10 72 डिग्री में इसने आर्क लगा दी इसमें, है ना? तो ये हो गया इसका फर्स्ट, ये हो गया इसका सेकंड रूट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ. समझ आई सभी को? हाँ जी, जब भी मुझे रूट निकालने हैं तब तब मुझे उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है? थीटा जीरो क्यों ले रहे हैं, थीटा जीरो नहीं ले रहे हैं. देखो थीटा जीरो लेने का पर्पज क्या है, ये जो वन है इसे तुम्हें आर कोस थीटा प्लस के आई आर साइन थीटा में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करोगे बताओ, कंपैरिजन करोगे ना? तो कंपैरिजन करने पे क्या पता चला कि r cos theta equal to 1 and r sin theta equal to 0, ठीक है? तो डिवाइड कर दो इसे, तो कितना आ गया 0 upon 1, है ना, r cos theta equal to 1. तो यहां से आया तुम्हारे पास tan theta equal to 0, तो theta equal to क्या आया भाई, 0 आ गया ना, theta 0 है तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू 1 हो गई, है ना?
हाँ जी, सारे सम ऑफ ये जो आते हैं ये मेरे जीरो आते हैं, करेक्ट। अब देखो जीरो आने का रीजन क्या है, ये भी देख लो, जीरो आने का रीजन क्या है। तुमने अभी पीछे हमने क्या करा था यहाँ पे, अच्छा जेड वन जेड टू करा था है ना, ठीक। इससे नेक्स्ट जेड क्यूब इक्वल टू माइनस वन, तो मुझे क्या करना होगा, माइनस वन इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक, और जीरो इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक। आर की वैल्यू तो नेगेटिव होने से रही, यस और नो। तो मेरा टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया मेरा जीरो, करेक्ट। टेन थीटा मेरा कैसा आया, 0 डिग्री, क्योंकि मैं टेन थीटा कैसे निकालता हूँ, मोड वाई अपॉन एक्स करके, करेक्ट, ठीक। अब ये जो जीरो तो आ गया, बट ये मेरा क्वाड्रेंट में कौन से में लाई करेगा, ये लाई करेगा मेरा यहाँ पे, तो मुझे क्या एंगल मिलेगा, मुझे जीरो मिलेगा या मुझे पाई मिलेगा। हाँ जी, मुझे मिलेगा पाई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी 1। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा पाई प्लस 2k पाई से, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, z इज इक्वल टू कोस पाई प्लस के 2k पाई अपॉन 3 प्लस के आयोटा साइन पाई प्लस के 2k पाई अपॉन 3, ये इसके एंगल में, ठीक, जहां पे k की वैल्यू कहां से, 0 1, करेक्ट। तो क्या होगा, मुझे 3 रूट मिलेंगे। अब यदि ये होता जेड क्यूब इक्वल टू 1 तो मुझे क्या होता, मुझे मिलते ऐसे रूट, यहां से ये मिलता 1, फिर 120 डिग्री पे और फिर 240 पे। अब की बार क्या है, जेड क्यूब इक्वल टू -1 है ना, तो अब क्या होगा, अब बस मेरा ओरिएंटेशन चेंज हुआ, अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, ठीक। और अब क्या करना है, अब मुझे यहां पे डिवाइड करना है, तो ये जो बनते हैं मेरे, ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, है ना, दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, या आप बोलोगे एन रेगुलर गन, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे मेरे, सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। इनके बीच में लेंथ कैसी होगी, इक्वल। और जब आप डॉट्स को मिलाओगे, कंजुकेटिव डॉट्स को, तो आपका क्या बनेगा, एन रेगुलर पॉलीगन बनेगा, ठीक है। क्या कह रहे हो हलीमा, आर इज मॉडुलस ऑफ जेड रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ आर की वैल्यू तो देखो यहां से हमें यही तो मिलता है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यस और नो। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, और आर क्या है, रेडियस, तो आर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1 होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई सभी के, ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब इससे नेक्स्ट आती है हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। बेसिकली अभी जब हम आगे जाके एक बार हम पढ़ेंगे रॉस थ्योरम, है ना, तो रॉस थ्योरम में हम करते क्या है, रॉस थ्योरम में हम वही एफ प्लस जी, है ना, और मोड ऑफ एफ लेस देन मोड ऑफ जी, इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कौन सी इनइक्वालिटी लेनी है, मुझे ये वाली इनइक्वालिटी लेनी है, मुझे इससे कोई दूसरी लेनी है, तो ये सब चीजें काम करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। या आपको किसी एक फंक्शन का एफ जेड इक्वल टू दे दिया मैंने कुछ, आपको जेड अपॉन जेड प्लस 1 दे दिया, और मैंने कह दिया मोड जेड इक्वल टू 1 पे इसका मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज की नीड पड़ेगी। तो ये सारी की सारी किस तरह से अप्लाई करनी है, ये मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड जेड, मॉड जेड क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके मॉडुलस, ठीक। और मॉडुलस क्या होता है, हाँ जी व्हाट इज मॉडुलस, बताया था मैंने, मोड नॉर्म ना, पॉजिटिव ना, होता क्या है, लेंथ फ्रॉम
ओरिजिन, ठीक है, कोई भी नंबर दिया तो लेंथ फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड नॉर्म कह लो, उसे मॉड कह लो या मॉडुलस कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, और लेंथ फ्रॉम ओरिजिन में क्या करता हूं मैं, पाइथागोरस वाला अप्लाई करता हूं फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाता है मेरा मॉड जेड आ जाता है, ठीक है। फिर कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करता हूं तो एक रिलेशन मेरे पास ये आता है, ये बहुत मतलब ब्यूटीफुल रिलेशन है और आगे पता नहीं कितनी जगह यूज करूंगा मैं इसे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ठीक है। इस चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि मॉड जेड को जेड जेड बार लिखता हूं या मॉड जेड स्क्वायर को जेड जेड बार लिखता हूं। मॉड जेड होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड जेड बार होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे स्क्वायर आना जरूरी है। अब इसके बाद हमने ये वाली तो इनइक्वालिटी पढ़ी है, लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तो क्या कहलाती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ये हर जगह काम करती है ना, चाहे तुम्हारी मीन कॉस की इनइक्वालिटी हो, है ना, वहां पे भी काम करती है, राइट। चाहे तुम्हारे रियल में हो वहां पे भी काम करती है, जब हम 10th 12th में पढ़ते थे वहां पे भी काम कर रही है, अब कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में भी ये काम करती है। मॉड ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। चलिए जी, इसी तरह से मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू इज रिप्लेस्ड बाय मॉड ऑफ जेड प्लस माइनस डब्ल्यू मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस के माइनस मॉड डब्ल्यू, मतलब मॉड डब्ल्यू, ठीक है। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये क्या हो जाती है, सुपर एडिटिव हो जाती है, है ना, करेक्ट। अब दूसरी चीज करते हैं, यदि मैं ऐसा लिखूं मॉड ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू, ये भी पढ़िए, है ना, कैसे करेंगे इसे, मॉड ऑफ जेड, ठीक, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू प्लस के डब्ल्यू, किससे लेस होंगे, मॉड ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू से, करेक्ट। इसे उठा के कहां ले जाओ, इसे इधर लिख जाओ, कितना हो गया, मॉड ऑफ जेड माइनस के मॉड ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू की जगह तुम प्लस रख लो या माइनस रख लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये फिर भी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो एक है मेरी लेस देन वाली, एक है मेरी ग्रेटर देन वाली, यदि आप उसे प्लस में स्प्लिट करते हैं तो वो हो जाती है लेस देन इक्वल टू, और यदि आप माइनस में स्प्लिट करते हैं तो वो हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट। ठीक है, ये प्रूफ आप करके देख लेना कैसे कर रखा है। अब इससे नेक्स्ट देखो, ये तो अभी अभी हमने देखी है, है ना, कि मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस के मोड ऑफ जेड टू, ठीक है। मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन, हाँ अभी बता रहा हूं लिपि, वेट अ मिनट, है ना, वेट अ मिनट, मोड ऑफ जेड वन माइनस के मोड ऑफ जेड टू, ये भी हमने अभी पीछे देखा, ठीक। यदि तुम जेड वन जेड टू की पोजिशन को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन एंड इट इज सेम एज, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, जेड वन माइनस जेड टू ही रह जाएगा, इज ग्रेटर देन ऑल्सो, जब जेड टू जेड वन की पोजिशन चेंज कर दे तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये है प्लस की वैल्यू, तो ये क्या है, ये माइनस टाइम है, मतलब प्लस से भी बड़ा माइनस से भी बड़ा, तो मैं क्या कह दूं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड जेड वन माइनस के मॉड जेड टू, है ना, करेक्ट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम कौन सी आती है, काम आती है ये वाली मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ये वाली जो ऊपर वाली है, ठीक है। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, इस वाली को याद रखो, जेड टू की जगह माइनस जेड टू रिप्लेस करो, फिर जेड टू जेड वन की पोजिशन को इंटरचेंज कर दो, है ना, हाँ बिल्कुल। आप ऐसा देखो ना, आपने सपोज करो एक एंट्री को जीरो ले लिया, है ना, आपने जेड वन या जेड टू में से किसी भी एंट्री को जीरो ले लिया आपने, ऐसे कैसे, तुमने सपोज करो इसे जीरो लिया, देखना जरा,
मोड ऑफ जेड वन माइनस के मोड ऑफ जीरो क्या आया, मोड ऑफ जेड वन, इधर से भी क्या आया मोड ऑफ जेड वन, इसे ग्रेटर देन कहोगे या इक्वल टू कहोगे, इक्वल टू कहोगे ना, सो दैट्स व्हाई ग्रेटर देन इक्वल टू, करेक्ट। वो फिर वहां पे लिख के देता होगा कि इन दोनों की वैल्यू मेरे इक्वल नहीं हो सकती या जीरो नहीं हो सकती, है ना, नॉन जीरो वैल्यूज के लिए। फिर इक्वल के लिए कर जाएगा काम वो, है ना, जेड वन और जेड टू दोनों सेम ले लो तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो तो भी मैच करेगा, ठीक है जी। चलो तो ये वाला हो गया, है ना, राइट। अब इसे देख ले, इसका ये तो यही वाला पार्ट है ना, चलो देख लेते हैं इसे। z1 आपने ये देखा कि मोड ऑफ z1 माइनस के मोड ऑफ z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 माइनस z2, z2 को किससे रिप्लेस कर दो तुम, माइनस z2 से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा मोड z1 माइनस के मोड z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड z1 प्लस के z2, करेक्ट हो गया, है ना, कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है, ओके राइट। अब इससे नेक्स्ट आ रहे हैं हम अपर बाउंड पे। अब देखो अपर बाउंड निकालने के लिए यहां पे मुझे किस तरह से सोचना है, ठीक है। अंजलि पे क्या पूछ रहे हो आप, देखो वहां पे इक्वलिटी होल्ड होने के लिए कंडीशन जैसे मैंने बताई ना अभी, ऐसे कुछ और भी नंबर्स मिल सकते हैं, जैसे मैंने किसी एक नंबर को जीरो कर दिया, दोनों नंबर को मैंने इक्वल कर दिया, है ना, तो उस केस में मेरा काम हो जाएगा। और नहीं तो तुम ऐसा कर लो जैसे तुमने करा वन माइनस के वन अपॉन टू, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ वन माइनस के मोड ऑफ वन बाई टू, देखो क्या आता है, यहां से भी वन बाई टू और यहां से भी वन बाई टू, है ना, यहां पे तो मेरे नंबर भी इक्वल नहीं है, यस और नो, बट हाँ एक कंडीशन है, ये जो वन बाई टू है ये वन से इक्वल डिस्टेंस पे है जीरो वाली पोजिशन, यस और नो, ठीक है। तो मतलब आप दोनों साइन के साथ याद रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, किसी एक के लिए याद नहीं रखना, वहां पे आ जाए इक्वल टू तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ यदि एक कंडीशन लगा दी तो फिर पक्का है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन दिस, अब अपर बाउंड करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है लेस देन इक्वल टू, है ना। चलो अब लेस देन इक्वल टू इस वाली वैल्यू से मैं कोई छोटी रख दू, है ना, भाई देखो आपने कहा कि जो मोड ऑफ ए है वो मोड ऑफ सी से लेस है, ठीक, तो जो मोड ऑफ ए अपॉन बी होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा मोड ऑफ सी अपॉन बी से, ठीक। अब इस बी पे कंडीशन आती है, यदि मुझे इसे भी लेस देन करना हो किसी से, यहां से बी भी हटाना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मोड ऑफ बी के लिए लेस देन इक्वल टू यूज करूं या मोड ऑफ बी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करूं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यूज करना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा वन अपॉन मोड बी भी लेस हो जाएगा मेरा के से, लेस देन इक्वल टू। अब मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें पॉजिटिव से तो ये क्या रहेगा, तब भी ठीक रहेगा, है ना। तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी है, कब मुझे ग्रेटर देन दिखाना है कब मुझे लेस देन दिखाना है, और जब मुझे पूरी वैल्यू को लेस देन दिखाना है तो ऊपर वाली लेस देन रख दूं तो चलेगा, ठीक है, ऊपर वाली से बड़ी रख दो तो चलेगा, पर नीचे वाली से बड़ी रखती तो क्या होगा वो छोटी कर देगा उसे, है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा नीचे वाले से भी छोटी वैल्यू रखूंगा, क्लियर है। हाँ जी ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बड़ी मुश्किल से समझी है मैंने भी, है ना, वरना गड़बड़ हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कहाँ कैसे करना है, और समझ में कब आई, जब मैं पढ़ा रहा था रोश थ्योरम, है ना, वहां बच्चे पूछने लगे सर यहाँ बताओ ये कैसे होगा, आशुतोष हमने ये कहा है कि यदि तुम्हें a अपॉन b को लेस करना हो और b की जगह रिप्लेस करना हो कुछ, तो क्या करोगे, b से छोटी क्वांटिटी रिप्लेस करोगे या b से बड़ी क्वांटिटी रिप्लेस करोगे, बताओ
भाई बी से बड़ी क्वांटिटी रिप्लेस करूंगा तो आने वाली वैल्यू क्या होगी, है ना? बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मेरी कैसी रहेगी, छोटी से करूंगा। अच्छा, यदि मुझे इधर बड़ा बनाना है तो मैं तो छोटी वैल्यू रखूं। या बड़ी रखूं, बड़ी है ये वाली और छोटी है ये वाली। देखो अभी अभी देख लो तुम सारे के सारे क्या काम कर रहे हो। भाई साहब मुझे लिखना 2/3 लेस देन, तो मैं यहां से 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा कि 3 से छोटी वैल्यू रखूंगा, बताओ। ये मैं डिवीजन कर रहा हूं, इसके तीन पार्ट कर रहा हूं मैं। जब मैं इसके कम पार्ट करूंगा, लेस देन 3 पार्ट करूंगा, तभी तो होगी। यस और नो? यदि तुमने बी से बड़ी वैल्यू रख दी, बी से बड़ी वैल्यू रख दी, 2/4 रख दिया, ठीक, और यहाँ पे 2/3 है, ये कितना आया 0.6 और ये कितना आया 0.5, क्या ये सही होगा? नो, एक्चुअली आई एम मेकिंग डिवीजन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन यहाँ पे छोटे रखने पड़ेंगे। तो मुझे क्या करना है, जो -3 है उससे क्या करना होगा, ठीक है, समझ आ गया? नहीं तो आप ऐसा कर लेना, मोड ऑफ ए अपॉन बी है, ठीक, तो मोड बी लेस देन इक्वल टू के, ठीक है, तो 1/ मोड बी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो 1/ बी की को यदि इससे रिप्लेस कर रहे हो तो मोड ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ए, मतलब दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट वे, कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है, है ना? ठीक है दीपांशी, बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है, चलूं आगे। चलो जी, तो अब मेरे से आपने यहां पे कहा कि सर मुझे आप बताओ अपर बाउंड, तो मुझे क्या करना है, लेस देन इक्वल टू, तो ऊपर वाले में तो लेस देन इक्वल टू में तुरंत कर सकता हूं, नीचे वाले में लेस देन इक्वल टू करने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले में लेस देन इक्वल टू करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस सिक्स मस्ट बी ग्रेटर देन सम के, ठीक है, एंड देयरफॉर 1/ z स्क्वायर माइनस के z माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 1/ k, राइट, एंड देन आई कैन पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो चलो, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बेसिकली निकालनी है कुछ ऐसी टर्म्स, है ना, तो मैं यहाँ पे इनके जो भी मैंने पीछे इनइक्वालिटीज पढ़ी है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? हाँ, अभी देखते हैं, एक मिनट रुको। सर अगर लोअर बाउंड होता तो उस वाले में अपोजिट करते हैं, यदि मैं तो लेस देन कर रहा हूं ना, अब मैं ग्रेटर देन कर रहा हूं, है ना, तो ग्रेटर देन में फिर मैं देखूंगा इससे क्या करना पड़ेगा, इससे तो मुझे छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, तभी ये बड़ा होगा, और इससे क्या होगा, इससे यदि तुमने छोटी रख दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे बड़ी वैल्यू रखूंगा, है ना, तो मतलब सेम लॉजिक है दोनों तरफ। चलो भाई आ जाओ यहाँ पे, अभी तुम जो काजल कह रही हो कि आंसर डिफरेंट करता है तो उसमें भी देखते हैं क्या आता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे नीचे वाले फैक्टर को ग्रेटर देन इक्वल टू बनाना, तो वही वाली इनइक्वालिटीज मैं यूज करूंगा, तो इसे मैंने डिवाइड कर लिया किसमें, जेड माइनस 3 और जेड प्लस 2 में, तो मैं मोड जेड माइनस 3 पे काम कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मोड ऑफ मोड जेड माइनस के मोड 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा लेस देन हो जाता है मोड ऑफ जेड माइनस 3 से, क्लियर है, है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ 3, और इन्हें आगे पीछे कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बाद तुम दोबारा से मॉड लगा दो, ठीक, फिर इसी तरह से मॉड ऑफ जेड प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस के मॉड ऑफ 2, इससे बड़ा होगा, 2 माइनस मॉड जेड कर दोगे तो भी सेम रहेगा, करेक्ट, मतलब 2 प्लस जेड हो यहाँ पे या जेड प्लस 2 हो, नथिंग डिफरेंट, ओके।
तो अब तुम्हारे पास यहाँ मॉडजेड आ गया, यहाँ पे भी मॉडजेड, और आपने भी क्या दिया था मुझे, मॉडजेड दिया था, ठीक। सो मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 3, तो मैंने एज इट इज रखा, इसकी जगह भी इससे छोटी क्वांटिटी, ठीक है ये वाली, और इसकी जगह भी इससे छोटी क्वांटिटी, तो क्या होगा टोटल ये वाली पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है करेक्ट ओके। अब ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसकी जगह से फिर से इसे ब्रेक करके क्या करो, इसकी जगह इससे लार्ज क्वांटिटी रखो, और लार्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, लेस देन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, तो मोड जेड स्क्वायर प्लस के 3, ठीक है। अब तुम क्या करो, सब जगह रख दो मोड जेड इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आ गया 2। सो 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब तुम कह रहे हो काजल की सर यदि मैं इसे ब्रेक ना करूं, फैक्टराइज ना करूं, तो मेरा आंसर क्या आता है। सो आई एम टेकिंग जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस के 6, ठीक है, इसे तुम एक साथ ले लो और इसे अलग अलग ले लो, तो क्या कहोगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड मॉड जेड स्क्वायर माइनस के मॉड जेड माइनस 6, एम आई राइट, ठीक है ओके। चलो जी इसमें तो मॉड जेड की जगह वन रख दो, जहां पे मॉड जेड है इसे तुमने सॉल्व कर लिया 1 माइनस के मॉड जेड माइनस 6, ठीक है। हाँ ठीक है, ये प्लस का 6 होगा, प्लस 6 होगा करेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस वाले में फिर से फॉर्मूला लगा दो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। पहले तो इसे ऐसा कर लो मॉड जेड प्लस 6 माइनस के 1, अब ठीक है ना। यदि मैं इससे कुछ बड़ी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, इससे कुछ छोटी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसे क्या करा तुमने, इसमें मॉड जेड माइनस के 6, है ना, और इस पे भी मॉड माइनस 1, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। हाँ जी काजल, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ गया, जेड की जगह 1 रख दिया, तो 1 माइनस 6 कितना हुआ, 5 हो गया, और 5 माइनस 1 कितने हुए, 4, तो ये आ गए आपके 4, ठीक। ऊपर कितना बनता, 4 बनता, ठीक है, अरे वाह वेरी गुड। तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस के 6 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4, है ना, दैट्स ग्रेट, और ऊपर भी कितना आ रहा है 4, तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, है ना, दिस वैल्यू इज 1, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, जैसे अपर बाउंड कहा है, जितना भी मैं छोटे से छोटा अपर बाउंड निकालूंगा, लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा, जितना भी, मतलब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या है वैल्यू, बट हाँ जितनी छोटे से छोटी आप निकाल सकते हो उतना परफेक्ट आंसर है। जैसे यहां से मिला मुझे 1, मुझे उम्मीद थी कि कुछ 2 से ग्रेटर मिल जाएगा, तो फिर मैं छोटे वाला कंसिडर करूंगा, राइट, है ना, बट क्या हुआ 2 से छोटा मिल गया, तो अपर बाउंड तो जितना छोटा मिले उतना ज्यादा बढ़िया है, उतना ज्यादा रेक्टिफाई होगा आपका आंसर, है ना, तो मुझे क्या मिल गया 1 आ गया यहाँ पे। हाँ देखो यदि अपर बाउंड 1 है तो 1 से आगे के जितने भी नंबर है 2, 3, 4, 5, ये भी तो अपर बाउंड होंगे, यस और नो, तो उसने केवल अपर बाउंड पूछा है, ठीक है, क्लियर है भाई सभी के। अब ये वाला तुम करोगे खुद, है ना, दोनों तरीके से कर लेना, एक साथ लगा के और अलग अलग लगा के, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे, तो तुम्हें बेस तो मैंने समझा ही दिया था, है ना, अब मैं थोड़ा सा एक तुम्हें अलग से, अगर 1 की जगह 3, हाँ 1 की जगह 3 आ जाए तो फिर मैं कौन सा कंसीडर करूंगा, फिर तो मैं छोटे वाला देखूंगा ना, फिर तो मेरा 2 इज बेटर, करेक्ट। हाँ आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आपका ठीक होगा भाई, यदि 1 से वैल्यू बड़ी है ना, अब 1 से बड़ी
मतलब वन उसका अपर बाउंड है, तो फिर टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। बस वो ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन कर कैसे रहे हो, दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक, अब आ जाओ भाई, हमने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम कैसे लिख सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो, यदि ऐसा किया तो जितने भी नंबर हैं, जेड प्लस सिक्स इसलिए हुआ भाई साहब, माइनस बाहर ले लिया, है ना, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस सिक्स था ना, तो जेड प्लस सिक्स इसलिए हो गया। ठीक है अनु, यदि उसने मतलब ऐसा कहा कि जी अपर बाउंड निकालो, वहां पे एक भी दे रखा है, दो भी दे रखा है, तीन भी दे रखा, चार भी दे रखा, अब तुमने निकाल दिया जी, देखो जी एफ जेड की वैल्यू वन से लेस है, तो बताओ वो टू से लेस है कि नहीं है, यस, वो थ्री से लेस है कि नहीं है, वो फोर से लेस है कि नहीं है, है? तो आप इन ऑप्शंस को कैसे गलत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट ये पूछे कि लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो फिर हो सकता है कि इनमें से केवल एक सही हो, है ना, क्योंकि उसने लीस्ट वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, चलो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और आप किसी भी नंबर को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो, दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर कहां पे होते हैं, r स्क्वायर के अंदर, करेक्ट, दिस इज x एंड दिस इज y। हां जी, क्लियर। अब मैं क्या लेके आया, मैं आपकी जो खेलने वाली फुटबॉल होती है वो लेके आ गया, या जो आपकी क्रिकेट की बॉल होती है वो लेके आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉल को मैं इस प्लेन के ऊपर रख सकता हूं, इस पूरे प्लेन को उस बॉल के सेंटर से पास होके पास करा सकता हूं, या इस पूरे प्लेन को मैं क्या करूं, उस बॉल के ऊपर रखूं, है ना, एंड दिस प्लेन इज लाइक अ पेपर, है ना। आप क्या करो, एक पेपर पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका आर स्क्वायर बन जाएगा पूरा। ठीक, अब इस पेपर के ऊपर बॉल रख दो, है ना, या जैसे टेबल पे बैठे हो आप, टेबल के ऊपर बॉल रख दो, या फिर बॉल को टेबल के ऊपर रख दो, या बिल्कुल बीच में से पास करा दो। तो तीनों चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहला केस है, मैंने प्लेन को कुछ इस तरह से बना दिया, ये मेरा हो गया प्लेन, करेक्ट, और मैं यहाँ पे, ये है मेरा सेंटर, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बॉल रखी इस तरह से, ठीक है, बढ़िया नहीं बनी, अब ठीक है ना। चलो ये मान लो यहाँ पे ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक, इससे तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये है इसका 0 0 0, करेक्ट, ठीक है, अभी 0 0 0 को छोड़ दो, कुछ भी बोल है, मुझे नहीं पता उसका क्या इक्वेशन है, क्या स्फीयर है वो। अब तुमने ये बताया, ये है जी मेरा नॉर्थ पोल, ठीक है, एन, और इसे कर दिया मैंने फिक्स, ठीक है। अब इससे क्या कर रहे हो तुम, इस प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट लो, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इसके बराबर में एक पॉइंट और ले लिया, इसे तुमने इससे मिला दिया, ठीक, इसके बराबर में और एक पॉइंट ले लिया, इसे तुमने यहां से मिला दिया, इसे तुमने यहां से मिला दिया, ठीक। जैसे तुम सोच रहे होंगे कि सर इससे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो इसी लाइन में मैप हो जाएगा, जरा तुम बॉल रखो और बॉल के बिल्कुल बराबर में एक पॉइंट लो, तो क्या वो उसी लाइन से होके जाएगा या उससे आगे लाइन से होके जाएगा। हाँ जी, एम आई ऑडिबल, अरे कहाँ गए भाई सब, उससे अलग होके जाएगा ना नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, करेक्ट, इतना इमेजिन हो गया। अब तुम ये देखो, तुम यहां पर खड़े हो, ठीक, एक धागा लेके, थ्रेड ले रखा है तुमने, और तुम यहां पे आए, कहीं पे भी, मतलब इस प्लेन को तुमने अब क्या करा, इस प्लेन को अनबाउंडेड कर दिया, मतलब ये जो पूरा मेरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो, तुम इसे यहाँ पे मिला सकते हो, ठीक है, तुम इसे यहाँ पे मिला सकते हो, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये बिल्कुल आपको एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इस स्फीयर को कट कर रही है ना,
ये वाला पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे अलग अलग नहीं दिखाई दे रही है ना। जैसे इसके आगे पॉइंट लूंगा तो वो अलग पे आएगा। अब तुम ये बताओ, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, इस वाले यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अर्थ का मैप ऐसे ही बनता है। वो क्या रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये क्या हो रहा है, टेंडिंग टूवर्ड जीरो, है ना, करेक्ट। और टेंडिंग टूवर्ड जीरो होने का मतलब क्या है, दिस पॉइंट आर, या लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर ट्राइंग टू पैरेलल टू द प्लेन, है ना, ट्राइंग टू पैरेलल टू द प्लेन, कह सकते हो, नहीं है ना। अब क्या है, आपने कोई भी प्लेन लिया, इस प्लेन के अंदर, हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है जो अभी अभी मैंने बोली, द लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल इज ट्राइंग टू पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या आता है, तुम अब इसमें कैसे देखोगे जी, सारे के सारे इंफिनिटी यहीं पे आके मिल गए, ठीक। तुमने सपोज करो ये एक प्लेन लिया और ये है इसका सेंटर, इस प्लेन से कितनी लाइनें जा रही हैं, हाउ मेनी लाइंस आर गोइंग थ्रू दिस ओरिजिन, इनफाइनाइट है ना, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, पता नहीं कैसे कैसे जा रही है ना, बहुत सारी जा रही है। अब तुम क्या करना, मतलब एक घर के लिए एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे, तुम एक पेपर लेना, ठीक है, उस पेपर पे एक बैंगल रख लेना, ठीक है, बैंगल, चाहे मतलब आपके हाथ का कड़ा हो या कुछ भी हो, और उसे ऊपर से पकड़ के बहुत तेजी से रोटेट करना, है ना, बहुत तेजी से रोटेट करना, तो क्या है कि वो जैसे जैसे सर्किल घूमता रहेगा वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, नहीं है ना, बन जाएगा। और दूसरा काम क्या करना, तो ये जो तुम ले रहे हो, मतलब इमेजिनेशन देखो आप, यहां से आपने एक पेंसिल ऐसे उड़ लगा दी इसमें, ठीक है, और जब आप इस पूरी की पूरी बैंगल को बहुत स्पीड से आपने मूव कर दिया, तो ये क्या होगा, ये जो पेंसिल है ये भी मूव होगी, है ना, यस और नो। तो मुझे ये बताओ, ये जो पेंसिल है ये कौन सी शेप बनाएगी, ये रेक्टेंगल बनाएगी, ये डॉट्स बनाएगी या सर्किल बनाएगी, इट विल फॉर्म अ सर्किल, है ना, ठीक है। और इस सर्किल से कौन से पॉइंट पास होंगे, इस सर्किल से कौन से पॉइंट मैप होंगे, इस सर्किल से वो पॉइंट मैप होंगे जो ऐसे ऐसे तुम्हारी पेंसिल घूमेगी ना अभी, है ना, इसे मिलाना और इसे मिलाना, ये जो सर्किल होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल मैंने ही बनाई है, ठीक, ये जो सर्किल होगा ये इस नीचे वाले सर्किल से मैप हो जाएगा, करेक्ट। तो तुम क्या कहोगे, जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये आपको सर्किल के सर्किल पे ही मैप बना के देती है ना, क्योंकि एक स्फीयर में कितने सर्किल, इनफाइनाइट, है ना, यदि आप उसे कट करने लगो, जितने ज्यादा बारीक बारीक कट करोगे उतने ज्यादा सर्किल मिलेंगे, और वो सारे के सारे सर्किल क्या होंगे, सर्किल पे ही मैप होंगे, ठीक है ये कोन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना जैसे जैसे तुम इस कोन की ये वाली लाइंस ऐसे करते रहोगे, ठीक, तो ये बेसिक, ये पता है ये कोन क्या है, ये कोन आपका एक मैपिंग करने का सिस्टम है ना। आपने कहा जी मुझे इस सर्किल की इमेज बताओ, तुमने कहा मुझे सर्किल की इमेज बताओ, मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स करा और यहाँ पे एक पेन रख दिया, है ना, ऐसे, ठीक, और तुमने घुमा दिया, क्या होगा, बन गया सर्किल, है ना। और ये पेन क्या होना चाहिए, पेन टच कर जाना चाहिए आपके प्लेन को, जो आपका पेपर है, ठीक है जी, समझ में आ गया सभी के, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे सर्किल यहाँ पे रखा है तो इसके अबाउट जो लाइन जा रही है
उसे उसके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को वो यहाँ पे मैप करेगा। जैसे सर्किल को आप घुमा दोगे, बेंगल को घुमा दोगे, तो उसके लिए लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली। तो इस पे भी जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है वो कहाँ पे जाके मैप हो जाएंगे, यहाँ पर। तो पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में कितनी लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स, और कितने प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस ये प्लस, ठीक, ये माइनस ये प्लस, इस तरह से कुछ, है ना। तो उन लाइन के जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आके मिल जाएंगे, यहाँ पे आके मिल जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, या फिर द पॉइंट एट इंफिनिटी, द पॉइंट एट इंफिनिटी, ठीक है। बस जितने भी फाइनाइट नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो स्फीयर है उसकी बाउंड्री पे मैप होंगे, और जो नॉर्थ पोल होगा वो आपका मैप होगा कहाँ जाके, पॉइंट एट इंफिनिटी पे। दैट्स व्हाई इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन यू विल राइट सी यूनियन इंफिनिटी। सो इंफिनिटी विल बी अ नंबर एंड इट हैज अ पोजीशन, एग्जैक्टली पोजीशन एट नॉर्थ पोल, करेक्ट, ठीक है, ओके। चलो थोड़ी सी एनर्जी मेरी कम हो गई है, राइट। अब दूसरी चीज आती है ना, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट, क्या ये जरूरी है कि मैं, ये जो मेरा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ही रखूं स्फीयर को? मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं, मतलब इस प्लेन को इसके ऊपर रख दिया मैंने ऐसे, है ना, कुछ इस तरह से, मतलब प्लेन मेरा किसके ऊपर रखा है, इस स्फीयर के ऊपर रखा है। तो क्या होगा, अब की बार ये वाला पॉइंट तो यहाँ सेंटर से मैप हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ से फिक्स करके अलग अलग पॉइंट ड्रॉ कर दो, है ना, तब भी बन सकता है ये और नो। यदि मैं ऐसा कहूं कि ये जो प्लेन है ये स्फीयर से पास होके जा रहा है कहीं से भी, तो मतलब एक स्फीयर लेके खड़े हो गए और बीच में एक प्लेन डाल रखा है तुमने, ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, तो उसके सरफेस पे, मतलब यहाँ इसके ऊपर रखा गया, तुम नीचे ले आए तो प्लेन तुम्हारा यहाँ आ गया, कहीं बीच में लटका दिया तो प्लेन तुम्हारा यहाँ से पास होके जा रहा है, चाहे कहीं से कर लो, है ना। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ अभी जो, हाँ, साउथ पोल फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, राइट। जो स्टैंडर्ड चीज है वो भी बताऊंगा, बट यदि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करूं तो आप अपने स्फीयर को कहीं पे भी रख सकते हो, इवन आप हवा में भी झुला सकते हो यार, है ना, आप हवा में भी, ये तो बना दिया आपने प्लेन, ठीक, और ये ले लिया आपने यहाँ पे स्फीयर, और ये यहाँ खूंटी से बांध दिया तुमने, ठीक। अब क्या कर रहे हो, अब ऐसे ऐसे कर रहे हो, है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ के मिल जाएगा, है ना, और बाकी अपना कोई भी पॉइंट लोगे तुम वो मैपिंग बनाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि एक स्फीयर के साथ एक आर स्क्वायर को आप मैप कर सकते हैं, डजंट मैटर कि आप मैप कैसे कर रहे हैं, आप उसे ऊपर रख रहे हो, नीचे रख रहे हो, बीच में से पास करा रहे हो, हवा पे रख रहे हो, कुछ भी, ठीक है। अब बात आती है कि कैलकुलेशन इजी कैसे होगी, ठीक है। अब क्योंकि जब आपको पॉइंट्स निकालने हैं, हाँ, वो उसकी एक्सिस की पोजिशन चेंज होती रहेगी, फिर जो मेरा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इन्फिनिटी कहाँ जाके मैप होगा वो मेरा चेंज हो जाएगा, राइट। बट जो मेरी स्टैंडर्ड काम है, अब मैं बात करता हूँ उस पे, ठीक है जी, क्लियर है इतना, किसी को डाउट तो नहीं है। ये टॉपिक पता नहीं टाइम ले ही लेता है, और मैं सोचता हूँ इसे जल्दी खत्म करना कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि मुझे स्टैंडर्ड कैसे मिलता है। स्टैंडर्ड एक तो चीज क्लियर है कि ये होता है मेरा नॉर्थ पोल, है ना, और इसे ही बोलता हूं द पॉइंट एट इंफिनिटी। अब दो चीजें हैं, यदि मैं इस प्लेन को सेंटर से पास होके करा दूं तो मेरे पास दो चीजें कॉमन हो गई, इस स्फीयर का भी सेंटर जीरो 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 और इस प्लेन का भी सेंटर जीरो जीरो जीरो, ठीक है। जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, सेंटर से इसकी रेडियस निकाल लो, डिस्टेंस निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना नीचे वाली डिस्टेंस निकालने में दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक स्टैंडर्ड स्फीयर विद यूनिट रेडियस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और इसे बोलते हैं हम
रिमान स्फीयर, करेक्ट? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो एक चीज और दिखा दो बस, और फिर इसे इसकी कैलकुलेशन पे आता हूं और वाइंड अप करता हूं इसे। जी बना दिया तुमने स्फीयर, ठीक, और ये पूरा का पूरा जो ब्लैक है ये मेरा है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक, और ये जो स्फीयर है ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के बिल्कुल बीच में से होके जा रहा है, ठीक है, फिर मैं बीच में ही बना दूं तो बिल्कुल कुछ ऐसे होके जा रहा है, ठीक। ये भी क्या है, जीरो 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 है, और इसका जो सेंटर है वो भी जीरो 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 है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेके आता हूं, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट। ये प्लेन मेरा कैसा है, एक्स वाई प्लेन है ना, और ये जो स्फीयर है ये मेरा कैसा है, एक्स वाई जेड प्लेन, करेक्ट, ठीक है। जो प्लेन है पूरा का पूरा इसके सेंटर से पास होके जा रहा है, इस सेंटर से है ना, यहां से, तो कोई भी पॉइंट प्लेन का ऐसे नहीं होगा कि इस सेंटर से नीचे हो या इस सेंटर से ऊपर हो, जो सेंटर के लेवल में प्लेन होगा उसी पे ही हो, है ना। तो जब प्लेन इस सेंटर के ही लेवल में है तो उसमें जो जेड कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो या नॉन जीरो, जब वो बिल्कुल सेंटर से होके जा रहा है, एक्स वाई जेड प्लेन जीरो होगी। तो मैं ये कह सकता हूं एक्स वाई जीरो है ना, दिस इज एक्स वाई जीरो, ये क्या है मेरा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक्स वाई से दिखा रहा था, बट क्योंकि मुझे 3D से मैप करना है तो मैंने क्या करा, उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो कर दिया। और जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि मैं उसे सेंटर से पास करा रहा हूं, यदि मैं सेंटर से पास नहीं कराऊंगा तो फिर मेरा जेड कोऑर्डिनेट कुछ और आएगा, करेक्ट, ठीक। अब इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जो पॉइंट है ये कहां पे, स्फीयर पे, इसे मान लिया तुमने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। यदि ये जीरो 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 सेंटर है और वन रेडियस है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट, ये कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हाँ जी, देखो एक्स वाई एक्सिस है तुम्हारी प्लेन पर, नो लक्ष्मी, एक्स वाई एक्सिस है आपकी एक्स वाई जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना उस पे, और कॉम्प्लेक्स प्लेन से आपने ऊपर की तरफ, मतलब ये जो है मेरी पाम है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये मेरा है परपेंडिकुलर, राइट, तो ये क्या होगा, ये होगा जीरो जीरो वन, करेक्ट, ये क्या होगा मेरा जीरो जीरो माइनस वन, क्योंकि ये मेरा प्लेन के नीचे है, ठीक है, क्लियर। अब मुझे केवल एक काम करना है, ये क्या है मेरी, ये है एक लाइन, राइट, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। तो पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट होने में क्या होगा, इनकी जो स्लोप है वो स्लोप मेरी प्लस, जब रेडियस वन है और मेरा प्लेन सेंटर से पास होके जा रहा है तो वन बाई टू क्यों होगा, जब सेंटर से रेडियस होगी तो वन नहीं होगी, जब मैं इसे प्लेन के ऊपर रखूंगा स्फीयर को तब हाफ होगा, ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन तीन पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनका रेशो निकाल लूं, x माइनस स्मॉल x, y माइनस स्मॉल y और z माइनस जीरो, फिर x का रेशो इससे, x माइनस जीरो, ठीक है, y माइनस जीरो कैपिटल y और z माइनस वन, ये क्या होने चाहिए, तीनों रेशो मेरे बराबर होने चाहिए, करेक्ट, x वाले रेशो, y वाले रेशो, z वाले रेशो, तीनों कैसे होने चाहिए, equal, so x upon capital X, y upon capital Y और z minus 1 upon minus 1, ठीक है, इस वाले पॉइंट से मैंने इसका रेशो निकाल दिया और इसका रेशो निकाल दिया, ठीक है, लाइन की इक्वेशन जैसे भी तुम बनाना चाहो, ठीक, ये कब होल्ड करेगा, जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो,
की इक्वल हो तभी तो होल्ड करेगा ये, राइट। तो यहां से मैं कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लू, कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल लू और कैपिटल जेड की वैल्यू निकाल लू। आपके पास मैंने एक इक्वेशन पहले से दे रखी है, कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल जेड स्क्वायर इक्वल टू वन। जैसे ही तुम यहाँ पे रखोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, के और एक्स वाई में रिलेशन मिल जाएगा, है ना, के और एक्स वाई में रिलेशन मिल गया। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया इसके लिए के लिए इन टर्म ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब जैसे ही तुमने यहाँ पे एक्स अपॉन स्मॉल एक्स इक्वल टू के रखा था तो क्या मिला था, एक्स इक्वल टू के एक्स वाई इक्वल टू के वाई जेड इक्वल टू वन माइनस के, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड का रिलेशन किससे हो गया, एक्स और वाई के टर्म में हो गया, ठीक है, करेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस एक स्टेप याद रखना है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और इसे इक्वल टू के रखना है बस, फिर तो तुम आगे अपने आप करते चले जाओगे, ठीक है। चलिए तो फाइनली मेरा आंसर आ जाता है कैपिटल एक्स इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, कैपिटल वाई इक्वल टू टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन एंड कैपिटल जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। z प्लस जेड बार क्या होता है मेरा, x प्लस आई वाई प्लस के एक्स माइनस आई वाई, आई वाई से आई वाई कैंसिल मतलब 2x, ठीक है, कोई बात नहीं दिनेश, ठीक है। इसी तरह से z माइनस जेड बार क्या होता है मेरा, 2y अपॉन i, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आगे सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे यहाँ पे रिलेशन आ गए। अब मुझे एक चीज देखनी है कि जो कोई नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और इसका कॉन्जुगेट है z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो बेसिकली r स्क्वायर में क्या होता है, ये तो z है तो ये z बार है ना, और यदि ये z है तो ऊपर की तरफ z बार, ठीक। तो क्या यहाँ पे कुछ स्फीयर में भी कुछ ऐसा मिलेगा, चेक कर लेते हैं। आपने z बार इक्वल टू लिया x माइनस के आई वाई, तो कहाँ पे चेंज होगा, x की जगह x रहेगा, y की जगह माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ जो स्फीयर के कोऑर्डिनेट हैं वे भी आपको कैसे मिलेंगे, कैपिटल एक्स माइनस वाई जेड और एक्स वाई जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के लिए ये मिल रहा है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई के लिए ये वाला मिल रहा है ना। तो ये भी कैसे हुए, ये भी तो प्रोजेक्शन टाइप में हो गए, है ना, ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ फिनिश हो गया हमारा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब कैसे करते हैं, आप मुझे कोई भी नंबर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप मुझे एक्स वाई की वैल्यू तो बताओ, है ना, या आप मुझे स्फीयर पे कोई भी नंबर दे दो, राइट, कोऑर्डिनेट। तो मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू इसमें रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ठीक है। और यदि आप कैपिटल एक्स वाई जेड दे दो तो मैं क्या करूंगा, 2 + 3i, 2 + 3i। इसकी मुझे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन देखनी है कि स्फीयर पे कहां पे मुझे पोजीशन मिलती है, x equal to 2, y equal to 3। तो कैपिटल x equal to, पहले तो x square plus y square plus 1 कर लो, कितना आता है, 2 दुनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14, ठीक है। तो 2x, तो 4 upon 14, कैपिटल y equal to 6 upon 14 और z equal to कितने हुए थे, 9 और 4 13 में से एक है 12, है ना, 13 प्लस 1 और 13 माइनस 1, तो ये हो गया, 2 2 नहीं 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 7 14, तो 2 by 7, 3 by 7, 6 by 7, ठीक है, हाँ जी, ऑल राइट काजल, ठीक है, आंसर आ गया। तो यूनिट रेडियस स्फीयर पे ये आपको y में माइनस क्यों होगा भाई, यहाँ 2y होता है, है ना, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 9, 9 और 4 14, 14 माइनस 1 और 14 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है यहाँ माइनस 1 है, तो 12 अपॉन 14 आ जाएगा ना, ठीक है। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, z वाले कोऑर्डिनेट में 2 का डिफरेंस रहता है ना, ओरिजिनली, जैसे यहाँ पे 12 और 14, ठीक है,
चलो जी ठीक, जेड इक्वल टू जीरो कहां पे जाके मैप होगा? जेड इक्वल टू जीरो इन स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड है ना, कहां गया स्टैंडर्ड, ये रहा, कहां पे जाके मैप होगा? यदि प्लेन यहां से जाके मैप हो रहा हो, क्रॉस हो रहा हो, तो ये वाला पॉइंट इससे मैप होगा, ठीक है। हाँ जी, यदि मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। है ना, वो ये पूछ ले कि यदि 2 प्लस 3i की इमेज तो ये हो 2 अपॉन 7 एंड 3 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7, तो 2 माइनस 3i की इमेज बताओ तो कितने होगी, 2 अपॉन 7 माइनस के 3 अपॉन 7, 6 अपॉन 7, ठीक है, करेक्ट है जी। जेड इक्वल टू जीरो, देखो ना बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो तुम। तुमने ये बनाया प्लेन और इस प्लेन से तुमने पास करा दिया स्फीयर, ये रहा इसका सेंटर, ठीक, सारे के सारे पॉइंट ऐसे 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 मैप हो गए। मैप नहीं हुआ तो क्या, लाइन नहीं मिली तो किससे नहीं मिली, जीरो से। जैसे तुम जीरो से लाइन मिलाओगे, ठीक, वो कहां पे जाके मिलेगी, नीचे, नीचे एक पॉइंट बचा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, ये किससे मिलेगा, जब सीधी लाइन ड्रॉ होगी, है ना, तो क्या होगा, जीरो जाके मिलेगा, जीरो जीरो माइनस वन से, देख लो यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये माइनस वन अपॉन वन कितना आ गया, माइनस वन, तो जीरो जीरो माइनस वन से, बट दिस इज साउथ पोल से, करेक्ट, दिस इज स्टैंडर्ड रीमान स्फीयर। जब भी वो आपको रीमान स्फीयर बोले, ठीक है, तो आपको क्या कराना है, वो वहीं से पास कराना है, सेंटर से। यदि आप ऐसा करते हो कि आपने इस प्लेन के ऊपर रख दिया इसे, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर आपका ये तो हो जाएगा अभी भी जीरो जीरो जीरो, और जो रेडियस रहेगी वो मेरी अभी भी वन रहेगी। जब रेडियस वन रहेगी, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, ठीक, सेंटर क्या हो जाएगा जीरो जीरो हाफ, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन, ठीक है, यदि आप स्फीयर को प्लेन के ऊपर रख रहे हो, ओके, तो फिर क्या होगा, बस इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी हो गई अब 1/2, तो 1/4, ठीक है ना, ना, यदि तुम काजल, यदि तुमने एक्स वाई प्लेन लिया है और उसका सेंटर लिया, उसका सेंटर क्या होगा जीरो जीरो, और जब जेड एक्सिस उस पर प्लेस करोगे तो जेड एक्सिस क्या आएगी, जीरो नहीं आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये आपका जीरो 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 को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, है ना। एक मिनट रुक जाओ भैया, अब इससे नेक्स्ट आते हैं हम, रीजन्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट, रीजन्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे, नेबरहुड, तो नेबरहुड तो हमने उसमें ही पढ़ा है, नेट में कभी कभी आ जाते हैं, बट परवीन ये जो द पॉइंट एट इंफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे डिस्कस करने के लिए स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना जरूरी है ना, अदरवाइज पूरी कॉम्प्लेक्स में यही चीज चलती रहेगी, या तो मैं आपको बताऊंगा कि जेड इक्वल टू इन्फिनिटी आप एक नंबर मान लो, है ना, या फिर आप ये कहोगे सर जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, ये क्या काम है। नेबरहुड, नेबरहुड बेसिकली मेरे कैसे होते थे, इंटरवल्स होते थे इन रियल, है ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स प्लेन, और नेबरहुड का मतलब क्या होता है, आसपास वाला बंदा, है ना, ये है तुम्हारा जेड प्लेन, इसके अंदर तुमने कोई पॉइंट ले लिया, अब तुम ये बताओ इसके आसपास कितने पॉइंट, यदि तुमने यहाँ पे पॉइंट लिया रियल में, तो इसके आसपास ये वाले पॉइंट है ना,
बट यदि कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये क्या है, इसके आसपास में है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग टाइप की है। यहाँ पे वो क्या कहता है, आप एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करो ठीक है, जिसके अंदर के सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर रेडियस से कैसे हो, लेस हो ठीक है। और इस रीजन को मैं क्या बोलता हूं, डिस्क राइट। यदि बाउंड्री इंक्लूड हो तो मैं बोलता हूं उसे क्लोज्ड ठीक है, बाउंड्री इंक्लूड ना हो तो मैं बोलता हूं इसे ओपन राइट। और डिस्क का मतलब ये होता है, डिस्क का देखो यदि मैं आपको एक तो दे दूं रिंग है ना, और एक दे दूं ऐसे बिल्कुल फिल हुई हुई, तो क्या आप इसे डिस्क कहोगे, नहीं इसे कहोगे आप रिंग, इसे कहोगे आप सर्किल, बट इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे आप डिस्क है ना। जैसे तुम्हें मतलब वो जो डिस्क थ्रो होती है उसमें देखी होगी ना, लकड़ी की बनी रहती है इस तरह से है ना, और अंदर से वो फिल रहती है, तो दैट इज डिस्क, मतलब जिसके अंदर अंदर वाले भी पॉइंट्स हो है ना, बिल्कुल वो सेंटर्ड कहीं पे भी हो सकती है, सेंटर्ड एट जीरो या z नॉट कुछ भी पॉइंट हो सकता है करेक्ट। तो डिस्क क्या है, डिस्क वो एक ऐसा सर्किल है जिसके अंदर वाले भी पॉइंट मैं काउंट कर रहा हूँ, सर्किल बना लो और उसके अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट क्या करो, काउंट कर दो, मतलब उसे फिल कर दो है ना पॉइंट से, तो वो क्या हो जाती है डिस्क। बाउंड्री इंक्लूड कर ली तो क्लोज्ड, बाउंड्री हटा दी तो ओपन ठीक है। तो उसने वही कहा है, बट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट वी मीन द सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन बाय एस इक्वल टू दोस कॉम्प्लेक्स नंबर whose distance from z naught is always less than delta and delta is some positive number correct g that is a neighborhood of z naught consists of all the points inside the circle with center at z naught and radius delta positive theek hai। ab ye kya kehlata hai mera, ye kehlata hai neighborhood aur isi ko main bolta hu open disk theek hai ji। अब दूसरी चीज आती है, ये जो जेड नॉट पॉइंट है ये उस के अंदर मैं काउंट भी कर सकता हूँ, नहीं तो उसे हटा भी सकता हूँ। मतलब आपने ये लिया एक पेपर और इस पे मतलब ऐसे अंदर फिल कर रखा और बीच में जहां सेंटर है वहां पे आपने एक पिन लगा दी, तो क्या हुआ, जो सेंटर वाला पॉइंट था वो तो आउट हो गया है ना, बाहर हो गया, मतलब आप सेंटर पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकते है ना, वहां पे तो बहुत बड़ा होल है, गिर जाओगे। तो क्या कहते हैं उसे, उसे बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ठीक। अब डिलीटेड नेबरहुड और नेबरहुड में कितना अंतर है, केवल और केवल यहाँ पे मतलब यू कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट करेक्ट, एंड व्हेन यू टेक द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू z नॉट दिस इज सिंपल नेबरहुड ओके। इंटीरियर पॉइंट, व्हाट इज इंटीरियर, अ पॉइंट z नॉट इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इफ देयर एग्जिस्ट, जो भी डेफिनेशन में वर्ड्स हैं उन्हें बड़े ध्यान से समझना है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट विच इज कंटेन्ड इन द सेट। आप मेरे पास एक सेट लेके आए ठीक है, अब इस सेट के पास तीन तरह के पॉइंट हो सकते हैं, सेट के इनसाइड हो सकते हैं, सेट की बाउंड्री पे हो सकते हैं और सेट के आउटसाइड हो सकते हैं ठीक है। मैं एक पॉइंट को चेक कर रहा हूं कि मुझे वहां पे एक डिस्क मिलती है कि नहीं मिलती, एक नेबरहुड मिलता है कि नहीं मिलता जो जेड नॉट पे सेंटर्ड हो और पूरा का पूरा उसी सेट के अंदर हो। यदि तुमने बाहर से कोई भी एलिमेंट ले लिया है ना, बाहर से मतलब सेट के बाहर से, तो क्या होगा, उसकी सेट के पॉइंट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, यस और नो। मतलब ये एक इमेजिनेशन वाली चीज है, बाकी मैं बना के तो दिखा ही सकता हूँ। सपोज करो तुमने ये एक ऐसे, इसके अंदर है सारे के सारे एलिमेंट, इसकी बाउंड्री हो गई ये, एक पॉइंट लिया तुमने यहाँ पे ठीक, जब बाहर है पॉइंट तो सिंपल सी बात है इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, जो ये डिस्टेंस है इसका हाफ रेडियस करो और एक नेबरहुड ड्रॉ कर दो ठीक, या तुमने बहुत बड़े से बड़ा नेबरहुड भी ड्रॉ कर दिया कुल मिला के, तो वो रहना चाहिए इसके अंदर है ना, तो क्या ऐसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, मतलब आउटसाइड वाला पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। चलो जी बाउंड्री वाले की बात कर लो,
बाउंड्री वाला तो कभी नहीं हो सकता, इसका तो चाहे कितने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नेबरहुड बना लो, बाहर पॉइंट जरूर रखेगा। तो मतलब नेबरहुड डज नॉट कंटेन्ड इन द सेट, तो क्या होगा फिर, अंदर वाले पॉइंट्स ही क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, और अंदर वाले पॉइंट पे कोई भी आप एक नेबरहुड बना दो, वो कैसा रहेगा, उसी के अंदर रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सेट के अंदर की वो मेरा सेट किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मुझे दिया नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इस सेट के इंटीरियर पॉइंट कितने हैं, हाउ मेनी इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट, कोई है भी या नहीं है? नहीं, क्यों? द रीजन इज दैट कि यदि आपने कोई भी पॉइंट लिया, ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर की लाइन, ठीक, आपने कोई भी पॉइंट लिया इसके अबाउट नेबरहुड बनाओगे, तो चाहे वो इस नेबरहुड में सारे के सारे नेचुरल नंबर रख रहा है, बट बाहर वाले भी तो पॉइंट आ रहे हैं, तो नहीं होगा। रियल लाइन के लिए बताओ, रियल लाइन के लिए कितने इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे, हाउ मेनी इंटीरियर पॉइंट फॉर रियल लाइन? सारे। बहुत बढ़िया, है ना, तालियां बजाने को जी कर रहा तुम्हारे सारों के गालों पे, है ना। अभी देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने पहले ही बताया कि रियल और कॉम्प्लेक्स में दोनों दोनों डिफरेंट हैं। क्वेश्चन रिपीट करूं, मैंने कहा है एक रियल लाइन है आपके पास, और मुझे ये देखना है कि इस आर के पास कितने इंटीरियर पॉइंट हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, तो क्या होगा, नेबरहुड तो ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, और जैसे नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो रियल लाइन को छोड़ना भी पड़ेगा, और जैसे ही छोड़ा तो क्या हो गया, आपको बाहर वाले पॉइंट मिल गए। हाँ, अभी आ रहा हूं काजल, वहां पे भी आ रहा हूं। ठीक है, तो मतलब जैसा रियल में दिखाई देता है वैसा यहाँ पे है नहीं। कुछ चीजें मैच हो सकती है, जैसे लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है ना, वो सब चीजें वहां पे मैच हो जाएंगी। कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है ना, वो मैच हो जाएगी ओपन एंड बाउंडेड, करेक्ट। हाँ, रियल में तो होगा बट कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। ठीक, अब ना ऐसे रेशनल का होगा ना इरेशनल का होगा, है ना। चलो मैं एक ऐसे ही ग्राफ बना रहा हूं, ये मैंने कहा ये सारे पॉइंट है ना, बताओ ये इंटीरियर पॉइंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछना होता है कि ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट है सर, इंक्लूडेड है कि नहीं है, है ना। मैं कह रहा हूं इसके साथ होगा, है ना, बट जो ये बाउंड्री वाले पॉइंट हैं ये इसके इंटीजर पॉइंट नहीं होंगे। बाकी आप कोई भी पॉइंट ले लो इन दोनों लाइनों के बीच में, है ना, ये पॉइंट लिया आपने ये बन गया, ये पॉइंट लिया आपने ये बन गया नेबरहुड, ये पॉइंट लिया ये नेबरहुड बन गया, करेक्ट। मतलब बाउंड्री वालों को छोड़ के आपके बाकी सारे पॉइंट कैसे होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक है, जितने इसके अंदर है। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूं, सी की बात करूं, तो क्या होगा, सी के अंदर सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि कोई भी नेबरहुड बना लो तुम पूरा का पूरा सी में रहना। ठीक है, एम्प्टी सेट के लिए, एम्प्टी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, एम्प्टी ही आएगा, है ना, मतलब जितने भी पॉइंट इसके अंदर है वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट हो गए, है ना, ऐसे ही कह दो, यस और नो। या मैं ये कह दूं कि देयर इज नो पॉइंट इन द सेट विच इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। भाई दो ही तो चीजें हो सकती हैं, सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो या सेट के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ना हो, यदि सारे हो गए तो मजा आ गया, है ना। तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बता सकते आप जो इंटीरियर पॉइंट ना हो, जो इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन को फेल कर रहा हो, है ना, करेक्ट। समझ में आ गया सभी के, क्लियर है? चलो, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट को वो क्या कहता है, बड़ी बढ़िया सी, मतलब बाउंडेड सेट रियल में तो मैं ये देखता हूँ किसी नंबर से बाउंड हो, बट यहाँ पे उसने एक छोटी सी चीज कह दी कि आप कोई भी सेट ले रहे हो यदि वो एक सेंटर्ड एट ओरिजन
डिस्क के अंदर है, ठीक है, राइट, तो फिर आप उसे क्या कहोगे, बाउंडेड कहोगे। अब जब तुम मुझे डिस्क दे रहे हो तो डिस्क क्या हो गया, मॉडजेड लेस देन आर, तो कुछ ना कुछ आर भी दोगे, है ना। और उसने कहा है ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज कंटेन्ड इन सम डिस्क। सम डिस्क का मतलब कोई डिस्क, और सम का मतलब आपको मैं आर जरूर दूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो चाहे बहुत बहुत बड़ा हो, है ना। मतलब आपने कहा कि ये तुमने एक डिस्क बनाई और कोई भी सेट लेके आ रहे हो तुम, यदि वो उसके अंदर है तो क्या हुआ, इस आर से तो बाउंडेड हो गया ना, ये इसकी बाउंड्री से बाउंडेड हो गया, तो मतलब सेट इसके बाहर जा ही नहीं सकता, करेक्ट। तो इसलिए उसने कहा है और ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे, ठीक है। ओपन सेट, अ सेट इज कॉल्ड, हाँ बिल्कुल, यस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ये दोनों सेम हो जाते हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, बाकी मैट्रिक स्पेस पढ़े हुए मुझे मतलब 2012, है ना, इसके बाद से पढ़ा नहीं है कभी, 8 साल तो हो गए, बट जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है वो ऐसे ही होता है ना, डिस्टेंस वाला ही रहता है, करेक्ट ना। ओपन सेट, नहीं पढ़ा मैंने, नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ तो लो, हो जाए ये जरूरी नहीं है पक्का। अ सेट ए इज कॉल्ड एन ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट इज इन ए इज एन इंटीजर पॉइंट। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे चेक करना है कोई सेट ओपन है कि नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, उसके ईच पॉइंट को ये चेक कर लूंगा कि वो इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। एक भी पॉइंट मुझे ऐसा मिल गया जो इंटीरियर नहीं है, तो वहीं पे डिस्कार्ड हुआ कि आपका जो सेट है वो ओपन नहीं है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें अभी हम, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, वो उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। आर को मैं ओपन कहूंगा कि नहीं, नो, क्योंकि इसके अंदर यदि मैंने कोई पॉइंट लिया तो वो मेरा इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, दैट मीन्स दिस सेट इज नॉट ओपन, करेक्ट। नहीं जी ऐसा नहीं है, है ना, अनबाउंडेड तो अनबाउंडेड ही है, मतलब आपने ऐसा करा, ये एक डिस्क बनाई, ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो अनबाउंडेड सेट को, अ सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट कंटेन्ड इन सम डिस्क, एनी डिस्क, फिर क्या आ जाएगा, एनी डिस्क, ठीक है, एनी डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब आप चाहे आर की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी, ठीक, किसी भी डिस्क के अंदर वो सेट नहीं आता, इसका मतलब क्या है, उस सेट की जो वैल्यूज हैं उनका मॉडुलस कैसा है, इनफिनिटी है, अनबाउंडेड है ना, करेक्ट ना शाइन, ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई जो सेट किसी भी डिस्क के अंदर ही ना आए, किसी भी, मतलब यहाँ पे सम की जगह फिर क्या हो जाएगा, एनी, राइट, any disk does not contain in any disk, then the set is unbounded. हाँ जी, चलो जी बताओ, five, open की, open है, नहीं है, integer point कितने हैं, बताओ, open है, yes, आपने बताया था सारे के सारे integer point इसी के अंदर है, मतलब जबकि कुछ है ही नहीं, है ना, the set of all complex number, this is also open, right, this is, what is this, this is annulus, है ना, मतलब जैसे आपकी वो होती है ना डिस्क सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, जैसी मतलब पहले चलती थी, अब तो बंदी हो गई पेन ड्राइव के आने से, है ना, या इंटरनेट सस्ता होने की वजह से, हाँ, तो ये वाला सेट जो है ये मेरा ओपन है कि नहीं है, उसने ये कहा कि जो आर वन है वो आपकी जीरो हो भी सकती है नहीं भी, बट जो आर वन और आर टू है इसमें मतलब आर वन लेस है आर टू से, तो मुझे ये चेक करना है कि ये वाला सेट मेरा ओपन होगा कि नहीं होगा, बना के देख लो, है ना, जब भी किसी चीज का आंसर कर रहे हो तो एक बार उसे ड्रॉ करके देख लो कि वो क्या दिखता है, ये वाली बाउंड्री इंक्लूडेड है, नो, दिस बाउंड्री इज इंक्लूडेड, नो, तो क्या हुआ, सारे के सारे यही पॉइंट तो आ गए, लो जरा, हाँ बिल्कुल, रिंग, एक्चुअली रिंग में तो क्या होता है,
ये जो बीच में मटेरियल है ये बहुत बहुत ज्यादा बारीक है, जो अंदर और बाहर वाले सर्किल हैं दोनों ही लगभग सेम है ना। तो क्या करो, सीडी ले लो, उसमें नहीं है, अंदर तो छोटा सर्किल है बाहर बड़ा सर्किल है ना, तो तुम्हें पॉइंट दिखाई दे जाएंगे। यस दिस इज कॉल्ड एन्यूलस। ठीक है, तो इस एन्यूलस के अंदर जितने भी पॉइंट है आप कोई भी ले लो, क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड आपने नहीं करी है, तो इसलिए क्या होगा, कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी बाउंड्री से डिस्टेंस रहेगी, है ना। और बाउंड्री ना लेने का मतलब ये है, इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट देन इट इज नॉट ऑन द बाउंड्री, एंड इट इज नॉट ऑन द बाउंड्री देन इट हैज सम डिस्टेंस, नेग्लिजिबल डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, करेक्ट। एंड टेक द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, देन यू कैन मेक अ नेबरहुड व्हिच इज कंटेन्ड इन द सेट अगेन। ठीक है, चलो एक चीज और बताओ, यहां से मुझे एक चीज और मिली, क्या कोई कभी फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है, या फाइनाइट सेट के पास, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि इंटीरियर में जो नेबरहुड होता है उसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं मेरे, इनफाइनाइट, है ना। तो जब इनफाइनाइट सेट में आई गए तो सेट के अंदर फाइनाइट है, तो वो तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, अनकाउंटेबल, राइट। तो ये भी ओपन हो गया, इसे बताओ जरा ये क्या है, मॉर्जिट ग्रेटर देन आर, मतलब डिस्क बनाओ ठीक, या सर्किल बनाओ, सर्किल के बाहर वाले पॉइंट, है ना, मतलब एक ये सर्किल बनाया, इसके जितने भी बाहर पॉइंट आ रहे हैं दीज पॉइंट्स, तो ये भी क्या हुआ, ओपन। ठीक, एट्थ, एट्थ में आपको देखना है इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन, ये भी क्या होगा मेरा, ओपन हो जाएगा, है ना। चलो जी भाई, अब थक गया हूं, है ना, अब कल पढ़ाऊंगा। एक्चुअली हाँ जी, छुट्टी हो गई, चलो ठीक है, तो कल को मतलब ये सारे पढ़ लेना, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट, एक्सटीरियर, क्लोज सेट, ठीक है, और फिर इससे नेक्स्ट कनेक्टेड सेट, ठीक है, कल ये वाली बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, कनेक्टेड और पाथवाइज कनेक्टेड, ठीक है जी। चलो, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, मैं सोच रहा था आज खत्म कर दूं काम, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।